क्या आपको पता है माता वैष्णो देवी अभी भी जीवित हैं और कर रही हैं इंतजार कई वर्षों से किसी का। आज से काफी साल पहले विष्णु भक्त रत्नाकर सागर के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था त्रिकुटा। जब त्रिकुटा बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हैं पृथ्वी पर। उन्होंने उनसे भेंट की और शादी का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने कहा कि मैं इस जन्म में तो पत्नी व्रत हूँ, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। आपको मेरी प्रतीक्षा करनी होगी, वो भी कटरा की पहाड़ियों पर, जहाँ पर आप माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ काली की के रूप में विराजमान होंगी। मैं कल्कि के रूप में अवतार लेकर आऊंगा और आपसे विवाह करूंगा। तब से माना जाता है त्रिकुटा माँ, जिन्हें वैष्णो माँ भी बोलते हैं, वो नारायण का इंतजार कर रही हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।